हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। दोस्तों, क्यूआर कोड क्या होता है और हम क्यूआर कोड अपना क्यों बनाते हैं। क्यूआर कोड दोस्तों एक तरीके से सीक्रेट कोड होता है, जिसमें दोस्तों आप अपनी कोई भी लोकेशन, नंबर, यूआरएल में, जैसे कि दोस्तों आप अपनी वेबसाइट के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप अपनी जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी इसमें ऐसे कंटेंट है, आपका कोई भी कैलेंडर है, SMS है, ईमेल है, कोई भी जानकारी आप क्यूआर कोड के माध्यम से होते सीक्रेट रख कर आप एक दूसरे के साथ अपना जो क्यूआर कोड है वो साझा कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी पहचान है, वो दोस्तों जब तक आपका क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा तब तक उसके अंदर आपकी जो पहचान छिपी हुई है वो किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हम दोस्तों अपना जो क्यूआर कोड होता है वो बनाते हैं और अपनी पहचान को एक तरीके से सीक्रेट रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर दोस्तों आप भी अपना एक क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं, अपने नाम का, गाँव का, दुकान का, यूआरएल का, या फिर कोई भी वेबसाइट या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, तो आपको अपना जो क्यूआर कोड है किस प्रकार से बनाना है, इसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो मेरा नाम नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Study95। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और नई जानकारी के लिए दोस्तों बेल आइकन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे दोस्तों आप उसकी मदद से अपना जो क्यूआर कोड है वो जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर पर। दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपना जो डाटा है वो यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन में टाइप करना होगा क्यूआर कोड, और आपको इसे सर्च वाले बटन पर क्लिक करके इसे सर्च कर देना होगा। तो चलिए हम इसे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सर्च कर लिया है। अब हमारे सामने बहुत सारी क्यूआर कोड्स के जो ऐप हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप जो है जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है ये वाला जो क्यूआर कोड है, यानी ऊपर से 4 नंबर पर जो क्यूआर एंड बार कोड स्कैनर है, आप इसको यूज़ कीजिए। ये बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसानी से चलता है, जहाँ भी चाहे वहाँ भी स्कैन कर सकते हैं, अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो आप इसको जब यूज़ करेंगे, तो मैंने भी दोस्तों इसे इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर एक इंस्टॉल का और दूसरा यहाँ पर एक अपडेट का। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है दोस्तों, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके, यहाँ पर इंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जब आप यहाँ पर अपना जो क्यूआर कोड वाला ऐप है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, तब दोस्तों आपको आ जाना है क्यूआर कोड वाले ऐप में। तो चलिए दोस्तों हम वहाँ पर आपको ले चलते हैं। तो हम आ चुके हैं उसी ऐप पर, क्यूआर कोड जो हमने अभी डाउनलोड किया था। हम आपको यहाँ पर दिखा दें, यहाँ से दोस्तों सभी जानकारियाँ आपको पहले बता दूँ। यहाँ से दोस्तों स्कैन करते हैं, स्कैन इमेज करते हैं। अगर आपके मोबाइल में कोई क्यूआर कोड पड़ा है तो आप वहाँ से गैलरी में से लेकर इसे स्कैन कर सकते हैं। बाकी आप हिस्ट्री दे सकते हैं, अपना जो क्यूआर कोड आपने बनाया वो दे सकते हैं। आप अपना कोई क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। आपकी सेटिंग मिल जाएगी, शेयर मिल जाएगा और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो क्यूआर कोड है वो बनाना है। तो हमें क्रिएट क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रिएट क्यूआर का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम अपना जो क्यूआर कोड है वो किस पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं, किस उद्देश्य के लिए बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कोई यूआरएल है तो हम क्या करेंगे, यूआरएल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर हम कोई जानकारी अपनी लिख रहे हैं अपने क्यूआर कोड में तो उसे हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, कोई व्यक्ति को हम जब अपना क्यूआर कोड देंगे तभी वो हमारी जानकारी उसके अंदर स्कैन करके देख पाएगा, तो हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है। अगर हम कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं तो हमें तीसरा, ईमेल, SMS, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो टेक्स्ट में दोस्तों आपको क्या है, टेक्स्ट में आपका URL भी मिल जाएगा,
अगर आप किसी वेबसाइट का, अपने चैनल का या फिर किसी अन्य का लिंक डालना चाहते हैं वो भी आपका पड़ जाएगा और आपका टेक्स्ट भी लिख जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, अगर आप URL पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर URL डालने का ही ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपका कोड है जो जनरेट हो जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट्स का डालें या फिर अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल का, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बैक करते हैं। बैक करने पर हमें दोस्तों टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 95। और हम थोड़ा यहाँ पर स्पेस देकर दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी। और यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 95। उसके बाद दोस्तों हम कुछ भी यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो दोस्तों यहाँ से दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम अपने घर का नंबर यहाँ से दे सकते हैं। बाकी हम दोस्तों यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर डाल सकते होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पर लिख लिया, हमने लिखने बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, तो हम यहाँ पर अपना कोई भी URL भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बस आपको ये एक तरीके से सिंपल वे में दिखा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपना जो भी है डिटेल यहाँ से लिख सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमने ये सारी डिटेल अपनी यहाँ पर फिल कर ली, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, विलेज वगैरह सब कुछ दे दिया। अब हमें करना क्या है, हमें एक QR कोड है वो दोस्तों यहाँ पर बनाना है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर एक सही वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला, इस पर आपको आना है और आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो आपका QR कोड बनकर तैयार हो जाएगा। और जब आपका कोड यहाँ पर तैयार हो जाता है तो आपको यहाँ पर आ जाना है सेव वाले बटन पर। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है, यानी जो आपका QR कोड अभी बना है, वो आपका सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। अब दोस्तों क्या करना है, आपको आ जाना है, आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ चेक करके भी दिखा देता हूँ कि हमने जो भी QR कोड बनाया है वो हमारा काम वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हमें आना है यहाँ पर 3 डॉट पर, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है स्कैन इमेज वाले ऑप्शन पर, इस पर आ जाना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर आते हैं, स्कैन इमेज वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको गैलरी मिल जाती है, हम पहले गैलरी से जो अपना QR कोड है वो यहाँ पर ले लेते हैं। दोस्तों हमारा जो QR कोड है यहाँ पर बनकर आ चुका, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ से जो है स्कैन हो गया, और यहाँ पर दोस्तों जो हमने सारी डिटेल लिखी थी वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों हमने ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, और ये भी नंबर डाला था, ये भी लिखा था, और ये भी जानकारी हमने यहाँ पर दी थी। तो ये हमारा खुलकर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो भी QR कोड जो भी व्यक्ति स्कैन करेगा तो उसकी जो डिटेल है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर कोई लिंक वगैरह होगा तो वो लिंक यहाँ पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो उस लिंक को रिडायरेक्ट कर देगा, चाहे आपका गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो या फिर कोई यूट्यूब चैनल हो, उसके माध्यम से दोस्तों आपका QR कोड है वहाँ आपको ले जाएगा और आपकी सारी डिटेल वहाँ से मैच करा देगा। तो इस प्रकार से जो दोस्तों आप अपना QR कोड है वो आराम से आसानी से बना सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में आपको जितने भी आपने QR कोड बनाए होंगे वो सारे आपको इस वाले बॉक्स में मिल जाएंगे। आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, और यहाँ से दोस्तों ज़्यादा हो गए तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको यही जानकारी बताई, मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियो शेयर कर दूं, जिससे आपको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दोस्तों आप भी अपना QR कोड बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप यहां से बना सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।